वेलकम टू टेंट्स गैंग गाइस। तो आज के इस वीडियो में जो एसईओ का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है उसमें हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे और उस आर्टिकल के ऊपर एसईओ करेंगे। क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या आर्टिकल होगा, क्या कीवर्ड्स यूज करना है, कैसे इमेजेस आपको लगानी है, सारी चीजें एसईओ के जितने भी फैक्टर्स आते हैं एक आर्टिकल को लिखने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहती है सारी इस वीडियो में हम लोग फुलफिल करेंगे और एक आर्टिकल को लिखेंगे और एसईओ का यूज करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है गाइस। अगर आप में से कोई न्यू ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग को स्टार्टिंग से सीख रहा है तो आपको हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। ये जो चैनल है हमने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है। स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग बिगिनर्स को ब्लॉगिंग सिखाने की ट्राई कर रहे हैं, हमारी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दिया गया है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना गाइस। तो मेरा नाम है शाहरुख, आप देख रहे हो ट्रेंड्स ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप जो है एसईओ को किस तरीके से अपने पोस्ट में एनेबल कर सकते हो और पर पोस्ट के हिसाब से अपने पोस्ट को रैंक करवा सकते हो। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने ये बताया है कि एसईओ को यूज़ करते हुए किस तरीके से अपना वेबसाइट गूगल के साथ वेरीफाई करवा सकते थे और गूगल को अपने डिटेल्स दे सकते थे ताकि गूगल जो है इंडेक्सिंग के द्वारा आपके साइट को रैंक करने में मदद करे। तो इस जगह पे आप पोस्ट को किस तरीके से एसईओ की मदद से रैंक करवा सकते हो और गूगल को डिटेल दे सकते हो, तो चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको अपने एक सेक्शन में जाना होगा जिसका नाम है पोस्ट। पोस्ट के सेक्शन में आपको चले जाना है और आपको इस जगह पे जो जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट को आपको एसईओ की मदद से रैंक करवाना है आपको सिंपली उस पोस्ट को एडिट करना होगा या फिर ऐड न्यू पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दिया। अभी देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारे मैंने जो कंटेंट डाला था वो कंटेंट यहाँ पे लाइव हो रहे हैं। तो चलिए इसको हम किस तरीके से ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे रीडेबल एनालिसिस नीड इम्प्रूवमेंट या एसईओ एनालिसिस नीड इम्प्रूवमेंट। तो रीडेबल एनालिसिस हम नहीं देखेंगे, हम एसईओ एनालिसिस देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि हमारा जो एसईओ एनालिसिस है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी एसईओ एनालिसिस को गूगल जो है ट्रैक करता है और रैंक करने में मदद करता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट की तरफ। तो आप जो भी पोस्ट करोगे उसके अंदर आपका जो वेटेज होगा वो कम से कम 16+ होना चाहिए, 16+ होना चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे एसईओ का अलग से सेक्शन मिल जाएगा योस्ट एसईओ के नाम पर। तो इस जगह पे आपको फोकस कीवर्ड रखना है। अब फोकस कीवर्ड का मतलब होता है कि आप कौन से कीवर्ड से रैंक करवाना चाहते हो सर्च इंजन के ऊपर। तो जो कस्टमर या फिर विजिटर्स जो सर्च करे वही आपके आपका पेज वहाँ पे आना चाहिए ताकि वो विजिट कर सके। तो दैट इज़ नोन एज फोकस कीवर्ड। तो हम देख लेते हैं फोकस कीवर्ड। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम है बाय आइसक्रीम वाला, ठीक है, तो मैं इधर फोकस कीवर्ड रखता हूँ प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम। ओके, मेरा ये फोकस कीवर्ड रहेगा तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको ये सेक्शन दिख जाएगा। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रेंड्स ज्ञान, सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं, राइट ना। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्रिप्शन जनरली कहलाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इस जगह पर आप वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को लिख देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। लर्न हियर हाउ टू मेक प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम एंड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग डिलीशियस आइसक्रीम वर्ल्ड डिलीशियस आइसक्रीम सेंटर। तो कुछ इस तरीके का आप लिख सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन अपने कंटेंट से रिलेटेड। और जो आपका एसईओ टाइटल होगा वो भी आप ये ग्रीन के लाइन में आना चाहिए, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है उधर आना चाहिए। और जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा मिनिमम 120 से लेकर 156 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे आप एसईओ एनालिसिस देख सकते हो मेरा क्या हो गया, ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम बता रहे, दो प्रॉब्लम क्या है ये, आउटबाउंड लिंक्स और इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, जैसे आप अपने वेबसाइट का ही लिंक इसके अंदर आप दे रहे हो,
वेबसाइट का लिंक अगर आप अपने इस कंटेंट्स में दे रहे हो तो उसको इंटरनल लिंक्स कहेंगे, और एक्सटर्नल लिंक या आउटबाउंड लिंक्स होता है जैसे आप किसी अदर वेबसाइट या किसी अदर कहीं और का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक्स। तो ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, आउटबाउंड लिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो इस जगह पे मैंने इतना बता दिया है, तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट्स है मैंने डाल दिया है। डालने के बाद देख सकते हो एसईओ एनालिसिस मेरा ग्रीन हो चुका है, दैट मीन्स ये रैंकिंग के लिए रेडी है, गूगल इसको कैच कर सकता है। तो आप इस फंडे को यूज़ करके इजीली पता कर पाओगे कि मेरा जो पेज है मैं किस हद तक इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, किस हद तक मैं गूगल को बता सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो एनालिसिस गुड, ठीक है, एक्सेलेंट तब आएगा जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दोगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, पोस्ट से रिलेटेड मैं एसईओ के बारे में बताना था आपको कि किस तरीके से आप एसईओ को अच्छी तरह से यूज़ करते हुए अपने पेज को या अपने पोस्ट को रैंक करवा सकते हो, गूगल को अपना इन्फॉर्मेशन बता सकते हो और इंडेक्सिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।